गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आप लोगों को रॉड के बारे में बताया था और प्लेस कैसा पढ़ेगा इसको भी बताया गया था, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000। इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज है 1 में आपको ये रॉड दिया है और रॉड में सर्किल बना हुआ है, सर्किल को काउंट करके 1 प्लेस पर लिखना है और जो जिस प्लेस पर होगा काउंट करके आप लिखते जाइए। यहाँ पर काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 1 प्लस 1 मीन्स वो मीन्स 1 होता है। 1 प्लस कितना है 7, कितना है 7। 10 पर देखिए 1 और 2, ये हो गया 2। 100 पर काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 हो गया। 1000 1, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 हो गया। यानी हमारा क्या मिल गया, 6827। 6827 ये रॉड है, ये रॉड चार्ट है। रॉड चार्ट पर जो सर्किल बना हुआ है इसको काउंट कर लेना है। अकाउंट करके जो जिस प्लेस पर है उस जितना नंबर ऑफ काउंट्स आएगा यहाँ पर लिख देना है। काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 हो गया। ये 1, 2, 10 प्लेस पर था 2 हो गया। 100 पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 हो गया। फिर रॉड में इसको काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 हो गया। यानी 1 प्लेस पर 7, 10 प्लेस पर 2, 100 पर 8, 1000 पर 6, यानी हमारा नंबर क्या मिल गया, नंबर 6827। सेम जितने भी क्वेश्चन हैं 1A का क्वेश्चन नंबर 1 ए से लेकर एफ तक इसी तरह बनेगा, आप इस तरह सॉल्व कर लीजिएगा। और कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं समझा दूँगा। अब कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये डिजिट दिया रहेगा, नंबर दिया रहेगा, आपको रॉड चार्ट बनाना है। क्या बनाना है, रॉड चार्ट। ये आपको डिजिट दिया रहेगा और ये जो है रॉड चार्ट बनाना है। तो इस एक्सरसाइज 2 जो 1A का क्वेश्चन नंबर 2 है इसको मैं बता देता हूँ। 1 क्वेश्चन 1 सेम इसी तरह बनेगा, जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और नेक्स्ट अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं या मेरे मोबाइल नंबर से भी कॉन्टेक्ट करके इसके बारे में समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रिप्रेजेंट करना है। ये हमको दिया, ये हमारे क्वेश्चन नंबर में ये रॉड जो है, रॉड पर ये सर्किल बना हुआ था, ये इसको दर्शाना था, क्या दिखाना था, इसको डिजिट में दिखाना था। लेकिन यहाँ पर एबाकस ये जो है रिप्रेजेंट करना है और यहाँ पर आपको ये नंबर दिया हुआ है। एक एग्जांपल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2A, ये आप रॉड बना लीजिए। रॉड बनाने के बाद ये ओ मतलब 1 प्लेस, टी मतलब 10 प्लेस, एच मतलब 100 प्लेस और TH मतलब 1000 प्लेस। अब यहाँ पर डिजिट दिया है, एक आपको डिजिट यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2A, क्या दिया है, 4000। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन 1 का इससे ऑपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये आपको एबाकस दिया हुआ था, रॉड सिस्टम दिया हुआ था, उसको नंबर लिखना था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में ये नंबर दिया हुआ है, एबाकस में आपको रॉड सिस्टम में सर्किल बनाकर दिखा देना। 1 प्लेस पर क्या है 3 है, यहाँ पर 3 सर्किल बना, 1, 2, 3। 10 पर क्या है 0, नो कुछ नहीं। फिर 100 पर क्या है 0, कुछ नहीं, कोई डिजिट नहीं है। फिर 1000 पर क्या है 4, 1, 2, 3, 4। इस तरह आप डॉट सिस्टम में वाकस को इसको शो कर सकते हैं, जो डिजिट दिया हुआ है इस पर आप बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में सेम उसी तरह है, 7602, यानी इस रॉड में
टू सर्किल बनाएंगे, फिर टेन पर जीरो, कुछ जीरो कुछ नहीं थे जीरो, और हंड्रेड पर सिक्स, कितना करेंगे सिक्स सर्किल बना देंगे, थाउजेंड पर सेवन बना देंगे, सेम उस तरह हो जाएगा। एक और आपको, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर टू का बी एक सॉल्व करके बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर टू का भी ये राउंड बना लीजिए, एबाकस जो है ये थाउजेंड है, हंड्रेड है, टेन और वन, आपका ये डिजिट दिया है, नंबर जो दिया हुआ है सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टू, सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टू, तो वन प्लेस पर क्या है टू है, या टू बना दीजिए, टेन पर जीरो है कुछ नहीं बनाना है, हंड्रेड पे क्या है सिक्स, तो सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, थाउजेंड पे क्या है सेवन है, तो सेवन यहाँ बना दीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये आपका बन गया, ये एबाकस जो है आपका ये रेडी हो गया, तैयार हो गया, और सेम क्वेश्चन नंबर टू जो है ए से लेकर एफ तक सेम इसी तरह बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट द नंबर्स बिटवीन, यानी जो डिजिट दिया हुआ है इसके बीच के अंकों को लिखना है, डिजिट को लिखना, जैसे एक क्वेश्चन इसमें से मैं सॉल्व कर देता हूँ और इसके बाद सेम आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री का ए है कि 2019 and 2023, तो ये इंक्रीज कर रहा है, तो हो जाएगा 2019, 2020, 2021, 2022, क्योंकि बिटवीन है 19 और 23 के बीच का जो डिजिट है लिखना है, तो 19 के बाद 20, 21, 22, सेम क्वेश्चन नंबर बी भी सेम उसी तरह सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन नंबर फोर, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट नेक्स्ट फोर नंबर्स, जो आपका डिजिट दिया है इसमें इसके बाद चार और डिजिट लिखना है, क्या है फोर में 5599, फोर डिजिट लिखना है, तो इसके बाद क्या होगा फाइव, ये तो आपको दिया हुआ है छोड़ भी सकते हैं, ये वन ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा, ये इसमें वन तो हो जाएगा 5600, क्योंकि 99 में वन ऐड करेंगे यानी 599 में वन को ऐड करेंगे तो 600 हो जाएगा, तो 5600, इसके बाद 5601, फिर 5602, कितना तक ले जाना है फोर, वन टू थ्री फोर, ये काउंटिंग है, ये आपका फोर डिजिट तक जाएगा, ये फोर ही कहाँ जाएगा 5599 फॉर द ईच ऑफ फॉलोइंग राइट नेक्स्ट फोर नंबर्स, ये फोर नंबर में 59 और ये एक और हो जाएगा 5603, वन टू थ्री फोर, ये तो दिया हुआ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में ये गिवन है दिया हुआ है, इसके बाद चार और डिजिट फोर डिजिट लिखना है, ये हो जाएगा 5601, 5602, 5603। क्वेश्चन नंबर फाइव में काउंटिंग बाई टूज राइट द नंबर इन बिटवीन, यानी दो का इससे डिफरेंस होगा, इसका जो अंतराल होगा इसका जो टू का होगा, जैसे 4728, 4730, 4732, 4734, यानी ये 36 तक चला जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव, ये
काउंटिंग बाई टूज 4,028 टू 4,738 तो 4,730 4,732 4,734 4,736 यानी इसके बीच के जो है दोनों ये डिजिट जो दिया हुआ है 4,728 और 4,738 दोनों के बीच में क्या डिजिट है 4,730 4,732 4,734 और 4,736 इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 काउंटिंग बाई 5 का इसका एवरेज अंतराल लेना है जो इसका है इसमें हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन में ए 2,325 to 2,350 इसमें कितना का लेना है इसमें आपको 5 लेना है यानी 2,030 2,035 2,340 2,345 ये 5 का आपका ये काउंटिंग करना है ये काउंटिंग बाय 5 काउंटिंग बाय राइट द नेक्स्ट 4 1, 2, 3, 4 आपको गिवन यहाँ पर दिया हुआ है डिजिट 2,325 कहाँ तक अप टू 2,350 ये 5 का है तो 2,330 2,335 2,340 और 2,345 इसके बाद 10 इसके बाद क्या है 10 का है तो 10 काउंटिंग बाय 10 राइट नेक्स्ट 4 नंबर्स तो आगे आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 काउंटिंग बाय टेंस क्वेश्चन नंबर 1 है 6,742 ये आपका 4 कहाँ तक 4 नंबर लिखना तो हो जाएगा 6,762 6,772 6,772 और 6,752 ये 52 62 72 82 ये 10 का ये नेक्स्ट नंबर जो है टेंस का है तो 10 का जो है आपका जो डिजिट दिया है 6,742 है 10 ऐड करेंगे 6,752 फिर इसमें 10 ऐड करेंगे 6,762 फिर 10 ऐड करेंगे 6,772 फिर इसमें ऐड करेंगे तो 6,782 आपका 4 नंबर जो है इसमें काउंट होगा नेक्स्ट 100 पर है क्या है 100 काउंटिंग बाय 100 नेक्स्ट 4 नंबर्स पहला क्वेश्चन है 4,816 4,916 क्योंकि 100 को इंक्रीज करना फिर 4,000 ये 9 है जो क्या हो जाएगा फिर 9 में 101 ऐड करेंगे इसमें ठीक ना तो ये हो जाएगा कितना ये इसमें 4,816 और फिर 100 में ये 9 हो गया फिर ये 10 हो जाएगा क्या हो जाएगा 10 तो हो जाएगा 5,116 क्योंकि इसमें 100 इंक्रीज करना है 800 900 और जब 900 में अमाउंट करेंगे तो 1,000 तो जब 5 हो जाएगा 5,016 क्योंकि इसमें जो 9 अमाउंट करें ऐड करेंगे 10 होगा 10 जो ये कैरी करेगा तो 5 में 1 ऐड हो जाएगा तो 5,016 फिर ये 100 पर इसको 1 ऐड करेंगे तो 5,116 अब काउंटिंग बाय थाउजेंड तो थाउजेंड में
क्वेश्चन नंबर वन 3633 या 1 10,000 3 है हो जाएगा 4633 5633 6633 फिर 7633 ऐसे ये ऐसे भी 3000 4000 5000 6000 7 क्योंकि हमको कितना निकालना है इसके बाद ये डिजिट जो दिया है इसके बाद 4 नंबर तक लिखना है यानी यहाँ से लिखना है 3000 दिया है तो 4000 5000 6000 और 7000 और इसके बाद जो क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए अगर जहाँ आपको प्रॉब्लम होगी फिर हमसे पूछिएगा। थैंक यू।